अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तलहार रेलवे स्टेशन पर और ये है बदीन हैदराबाद ब्रांच लाइन पर। तकरीबन 5-6 साल पहले यहाँ ट्रेन चलती थी और फिर बंद कर दी गई है। यहाँ पर जो है ब्रॉड गेज बना हुआ है, ये लाइन चलती थी बदीन से हैदराबाद तक, लेकिन इस वक्त अबेंडेंट है। अंदर चल के देखते हैं। किराया नामा लिखा हुआ है यहाँ, मतलब इस टाइम में किराया 40 रुपये था बदीन का, इस तलार से बदीन का। बदीन और दूसरे पंडरू अहमद खान एक काबिले जिक्र शहर है, खीरथर ये कोटली तक, यानी हैदराबाद से ये बदीन से कोटली तक जाती थी। 55 रुपये ये बच्चे का है। अच्छा, ये बच्चे का है और ये बड़े का है। और यहाँ से टिकट लिया जाता था जो अभी बंद है। टाइम टेबल है यहाँ पे लिखा हुआ, 2 गाड़ियाँ आती थी अप और डाउन की। ये बोर्ड भी लगा हुआ है और ये इसका जो प्लेटफॉर्म है, ये अंग्रेज दौर की तो इमारत नहीं बनी हुई। यहाँ ये इंतजारगाह, अंदर कोई मौजूद भी है अगर निकलता है तो बात करते हैं। स्टेशन मास्टर का दफ्तर जो अभी बंद पड़ा हुआ है। बत्ती गोदाम और प्लेटफॉर्म भी अच्छा खासा है। ये कांटा तब्दील करने के लिए जो सिस्टम है वो है। प्लेटफॉर्म माशाल्लाह खासा अच्छा प्लेटफॉर्म है। हालांकि यहाँ डब्बे इतने ज़्यादा नहीं आते थे, आखिर में तो सिर्फ 2 डब्बे आते थे। इसकी जो वीरानी की वजह है कि इस ट्रेन में लोग कम सफ़र करते थे और लोगों का जो कहना है तो वो ये है कि ये ट्रेन वक्त पे नहीं आती थी। ये इस तरफ से जो है हैदराबाद से ट्रेन आती थी। 2 यहाँ पर ट्रैक बने हुए, एक लूप लाइन है जो, और दूसरा जो है मेन लाइन है। ये स्टेशन की फ्रंट लुक है, 1908 है मेरे ख्याल में, 1908 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कुछ फिंगर्स जाहिर नहीं हो रहे। 1908 में ये बनी थी। ये इसका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है इस छोटे से शहर के हिसाब से अगर देखा जाए तो। कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये स्टेशन वीरान पड़ा हुआ है और आप माशाल्लाह यहाँ रहते थे, तो ये ट्रेन जब चलती थी तो लोगों के लिए क्या आसानियाँ थी और अब लोगों के क्या मुतालबे हैं इसके मुतालिक? यहाँ पे जैसे 1908 में ये ट्रेन चलना शुरू हुई तो लोगों को बहुत बड़ी खुशी हुई और लोग अपने प्यारों से मिलने जाते थे। जाहिर ये टंडो मोहम्मद खान, कोटड़ी, हैदराबाद, बदीन, तलार के लोग जाते थे। उस वक्त तो गाड़ियाँ भी नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी इतनी और काफ़ी जो है ना वो ट्रेन बेहतर चल रही थी। फिर आस्ता आस्ता ट्रेन की जो टाइम टेबल है वो आउट होती जा रही थी और जो है ट्रेन पे नहीं आती थी, तो उसकी वजह से जो लोगों की जो है ना वो उस पर सवारी करना और अपना सफ़र करना छोड़ दिया लोगों ने। फिर आस्ते आस्ते जो है ट्रेन भी रुक गई। अभी वीरानी और खंडरात का दिखाई दे रही है ये इमारतें, ये स्टेशन एक यादगार और माजी का किस्सा बन गई है।
मेरी ये रिक्वेस्ट है ये वफा की हुकूमत से, सिंध गवर्नमेंट से, तो यहाँ पे जो ट्रेन चलनी चाहिए, ये एक आरामदायक सफ़र का एक ज़रिया था और अपने लोग जो इन प्यारों से मिलने जाते हैं, लेकिन अभी जो है ना उससे महरूम हो गए, तो ये चलनी चाहिए तो बड़ा फ़ायदा होगा इसमें। जी बहुत शुक्रिया यार, मैं अब जा रहा हूँ, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है तो मेरा दिल कर रहा है कि वो बोर्ड देखाऊँ जिस पे तलहार शहर का नाम लिखा हुआ है। जब हम ट्रेन आ रही होती है तो पहले वो बोर्ड नज़र आता है किसी भी स्टेशन पे। ये जो शहर है और इस रूट पे जो भी शहर है, बहुत ही आबाद शहर है, बहुत बहुत से लोग आबाद हैं और सरसब्ज इलाका है। यहाँ से तो ट्रेन को फ़ायदा ही होना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे हालात कर दिए गए कि ट्रेन को इतना लेट कर दिया गया कि लोग ट्रेन पर सफ़र नहीं करते थे। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, सिंधी में लिखा हुआ है तलहार, फिर उर्दू में लिखा हुआ है तलहार और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, सिंधी उर्दू और इंग्लिश। ये सामने तलहार रेलवे स्टेशन की इमारत नज़र आ रही है। तो दोस्तों, हमने रेलवे स्टेशन का विज़िट आपको करवाया, उजड़ा हुआ रेलवे स्टेशन है लेकिन अच्छी हालत में है और यहाँ से ट्रेन चलने चाहिए। अब हम वापसी जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे, कोई ट्रेन नहीं आती, गाड़ी पे हम आए थे और वापस जा रहे हैं, स्टेशन देखने के लिए आए थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।